जय शंकर भगवान की, जय जय पार्वती माता की, जय श्री गणेश की, जय देवी माँ की जय, जय वीर हनुमान की जय, बाबा क्रमगिर की जय हो। मेरे पूज्य पिताजी स्वर्गीय श्री सोहनलाल जी, मेरी पूज्य माता जी स्वर्गीय श्रीमती बिश्नी देवी जी के चरणों में सत सत नमन, और सत सत नमन उन महापुरुषों को जिन्होंने ये टेढ़ा गांव बनाया है, जो आज हमारे बीच में नहीं है। उन्हीं की प्रेरणा से यह टेढ़ा गांव आज विकास की ओर बढ़ रहा है। मैंने इसी विकास की छोटी सी एक वीडियो बनाई है, आशा करता हूं आपको यह बहुत पसंद आएगी। यह रात की 1 बजे की तस्वीर है, टेढ़ा गांव जिला बागपत उत्तर प्रदेश की। यहां पर पूरी रात लाइट रहती है, बड़ा ही शांत एकदम वातावरण यहाँ का है। गुड मॉर्निंग गांव टेढ़ा, सुबह के 7 बजे हैं, 26 मार्च 2022। कोई पोल्यूशन नहीं है बिल्कुल भी गांव में, और सूर्य की धूप बड़ी क्लियर, उस तरफ देखा भी नहीं जाता। यहाँ पे गांव टेढ़ा, ये विजय प्रधान जी का घर, देवी सिंह वर्मा जी का घर, आर्य निकेतन, और ये हमारे चाचा जी हरि सिंह जी का घर, और ये यहाँ पर कदम की दुकान हुआ करती थी, अभी ये बिल्कुल यहाँ कोई नहीं रहता, मकान सारा गिर गया है। और यहाँ पर ये देखे मंकी, पूरे मंकी घूमते रहते हैं पूरे गांव में। और ये हमारा घर, काफ़ी दिनों के बाद आज गांव आए हैं ताऊ जी। ताऊ जी राम राम, राम, राम। आ जाओ। तो आज ताऊ जी आए हैं हमारे दिल्ली से। अच्छा, नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। और कैसे आज वैन से आए? विपिन की वैन से। तो कैसा थकावट हुई आज? थकावट तो थोड़ी। अच्छा ताऊ जी, ये क्या चीज है? ये क्या है? ये जो बाण है, ये बड़ा तेज। अच्छा बाण, अच्छा घुमा के घुमा दिया। बड़ा अच्छा लगा, बड़ा एक पुराना। इसको वैसे बोलते क्या है ताऊ जी, नाम क्या है इसका? बैठना। अच्छा अच्छा, बैठना, बाण बैठना। हमारे ताऊ जी रामस्वरूप जी आज टेढ़ा गांव में आए हैं। स्वीकार करूं करूंगी। किन गया है? कौन है? हाथी के या जो है वह कह रही है माया। टुकेंद के दो टुकड़े, हाँ, हाँ, करना चाहता है कभी नहीं। रूस जल्द से जल्द दे, जल्द जल्द दे लड़ने को हथियार है रूस। अच्छा, हाँ तो ताऊ, तो आपकी नज़र तो बिल्कुल ठीक है। ताऊ उम्र कितनी होगी आपकी? मेरी उम्र? हाँ, मेरी उम्र ज़्यादा काफ़ी। भाई साहब कितनी उम्र होगी भाई ताऊ जी की? भैया जब अभी 100 हुई। कितनी होगी पूरी वैसे? 97.5। 1981 का जन्म है मेरा। 1981 का? अच्छा। और आपकी है? 2022। 2022 क्या हो गया? 79 लग गया इस महीने से, जनवरी फरवरी। ये 81 का जन्मदिन संबत क्या होता है? संबत संबत। अच्छा, संबत संबत हर संबत कह रहे हैं साल। अच्छा अच्छा, तो संबत के हिसाब से अब आप 97 साल, 97.5 साल के हो गए। 97.5 साल के हो गया। हाँ, 21 तारीख को अगले महीने। हाँ बस, ये है 28 मार्च।
हाँ। ये इसको पढ़ के बताओ, दैनिक जागरण, दैनिक जागरण हाँ, देश का, देश का एक हिंदी न्यूज चैनल नंबर एक, पांच हमारा हक। आज मैं गांव में नालियों की सफाई के लिए थोड़ा काम कर रहा हूं। मुझे और फावड़ा भी यहां पर ये मिल गया है, और इधर थोड़ा सा गंदगी ज़्यादा है, तो नालियों की ये गंदगी थोड़ी निकाल देता हूं मैं, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि गांव में थोड़ी सफाई रहे। काफ़ी हद तक मैंने ये सफाई कर दी है, और जो इसके अंदर का जो गंदी नाली थी वो मैंने निकाल दी है। अरे ये क्या है भाई? है जी, ईख की बुआई कर ले। अच्छा, ईख की बुआई खुदाई करते हैं उससे? हाँ। अच्छा, तो घास वास सब निकाल देती है। हाँ, अच्छा ये पेट्रोल का इंजन है क्या? पेट्रोल का। और नीचे इसके ये लगे हुए हैं? हाँ, और ये जो खुरपी से लगे हुए घूमते हैं ये, है ना? हाँ, अच्छा, तो इससे खेती की नुलाई होती है। हाँ, आपका शुभ नाम? अंकित पवार। अच्छा, कहाँ पे रहते हो आप? अब चलते हैं हरि सिंह चाचा जी के घर में। नमस्ते चाची जी। अरुण कहाँ है? अरुण अंदर है? अरुण चाय बना रहा? अरे वाह, थक गया? और क्या हाल है अरुण? अब देखिए अरुण भाई मेरा चाचा जी के लड़के, और चाय बना रहे हैं। ओहो, बड़े ही मेहनती अरुण। हाँ, किचन भी बनाई हुई है चाची जी आपने, है? अच्छा लग रहा है, बढ़िया है ना? देखो चाची जी ने, चाची जी यहाँ रहती, सोलर प्लेट लगी हुई है। हाँ, पानी की टोंटी भी यहाँ पर आई हुई है, सुबह शाम पानी आता। अब देखिए गांव में कितना ही एक वो है कि कुछ चाय थोड़ी एक्स्ट्रा होती है तो कटोरे में, देखिए अरुण ने कटोरे में अपनी चाय ले ली है, थोड़ी एक्स्ट्रा होती है। अच्छा, वो चाची जी पियेंगे कटोरे में? बहुत अच्छा, ठंडी करके चाय, थोड़ी गर्म नहीं अच्छी लगती ज़्यादा, ठीक है। बहुत अच्छा है यहाँ पर, बड़ा ही प्यार मोहब्बत से सब कुछ खाते पीते हैं। गांव टेड़ा में अब मैं आ गया हूँ डॉक्टर सुखबीर सिंह के घेर में। अच्छा, और अब मुझे दिखाई दे रहे हैं सामने सुरेंद्र सिंह जी, जो डॉक्टर। चाचा जी नमस्कार। अच्छा अच्छा, जब मकान बना रहे हैं चाचा? हाँ ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और अच्छा, मकान बनवा रहे हैं बच्चों के लिए? बहुत अच्छा लगा देख के आपको। अच्छा, तो ये आपका ये पोर्शन पुराने वाला है? ये पुराना वाला था। हाँ हाँ, ये नया, और ये नया बना रहे हैं? चलो ठीक है, ये बहुत अच्छा है। और ये आपने टाइल वाइल लगा के ना पूरा? हाँ, ये खोल सकते हैं। अब हम चलते हैं गांव टेड़ा के डेवलपमेंट्स देखने के लिए चाचा जी सुरेंद्र सिंह जी के साथ। अब गाड़ी से हमें वो लेके चल रहे हैं चाचा जी। चलो चलते हैं चाचा जी, चलिए। ही अच्छा विकास गांव का हो रहा है, देखिए बड़ा सुंदर रोड। अब हम आ गए हैं कन्या पाठशाला, चाचा जी के लड़के अरुण जी और सुरेंद्र सिंह जी के साथ। ये हम आ गए हैं कन्या पाठशाला टेड़ा, ठीक है, प्राथमिक विद्यालय कन्या पाठशाला टेड़ा। ये हमारी भाई सुकूमत कन्या पाठशाला है गांव टेड़ा की, और उसमें बहुत अच्छी शिक्षा, अपना ज़्यादातर बच्चा शिक्षा प्राप्त करते। अब हम आ गए हैं गांव के पश्चिम दिशा में, ये पवार जी का फार्म हाउस है, जिसमें आड़ू, अमरूद और क्या क्या चाचा जी, नींबू और नाशपाती और आम के भी पेड़ है। आम के भी पेड़ है। और नमस्कार सर,
क्या हाल है सर, कैसे हैं जी? अच्छा, ये आप ही देख रहे कर रहे थे अभी अंदर हैं? बहुत अच्छा लगा बड़ा आपको देख के। अब चलते देखते हैं अंदर भाई हमारे गांव में क्या डेवलपमेंट्स हैं। अब हम अंदर आ गए हैं। ये हमारे यहाँ ये स्विमिंग पूल है, हमारे बच्चे हैं। ये टू रूम सेट बनाया है, दो भी अंदर है, बंद करके खतरनाक है। हाँ जी, ये गांव की नेचर है जी। देखिए खुद ही हमारे भतीजे राज पैसे लगा रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं। गांव में तो हर काम करना पड़ेगा। ये बकरी पालन भी इन्होंने किया हुआ है यहाँ पे, और ये शेड है, इसमें कुछ मुर्गे हैं, मुर्गियाँ अंदर हैं। यहाँ ये मुर्गियाँ हैं अंदर हैं, दिखाई वो देखो इधर कैमरा लगा के। मैं इसकी लो फोटो। ये बैठी अंडे दे रही। हाँ, ये एग्स के ऊपर बैठी है। ये तैयार हो रहा है। हाँ, ये छोटे छोटे बच्चे, थोड़ा यहाँ पे रोशनी की कमी है थोड़ी। कोई बात नहीं, ले लो क्या। बड़ा बड़ा ही आपने अच्छा प्रोग्राम यहाँ पे व्यवस्था बनाई हुई है पवार फार्म पे। आपका शुभ नाम सर? अच्छा, दिनेश पमार। अच्छा, आप रहने वाले तेड़ा के हैं, कहाँ के? हमारे बाप दादा तेड़ा के हैं। और पैदाइश हमारी दिल्ली। अच्छा, आपकी पैदा दिल्ली की है, तो आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? बस विचार आ गया। विचार आ गया तो आपने फार्म हाउस खोला। ये पमार। अच्छा अच्छा, और हमारे साथ अरुण जी हैं, सुरेंद्र सिंह जी हैं, और पवार सिंह जी, पवार जी हैं। और ये बड़ा ही सुंदर फार्म इन्होंने बनाया हुआ, जिसमें मुर्गी भैंसे भी हैं और गार्डन भी है, बकरी भी हैं। बड़ा अच्छा इन्होंने स्विमिंग पूल सब वगैरह का बड़ा ही अच्छा इन्होंने व्यवस्था यहाँ पर की है। मैं बड़ा बहुत ही खुश हुआ इस बात से। थैंक यू दिनेश कुमार जी, आपको बड़ा अच्छा लगा। तो चाचा जी आगे चलेंगे? आगे चलते हैं। ठीक है जी, अच्छा फिर मिलते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बड़ा अच्छा लगा। ठीक है, अब हम यहाँ से आगे की ओर चलते हैं, टेढ़ा में कोई और साइट पर चलते हैं अभी। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। गांव टेढ़ा आने का यह रास्ता तित्रोदा से आ रहा है। और यह है टेढ़ा, स्टार्ट हो जाता है यहाँ से। और ये आप देखेंगे शिव मंदिर है पीछे, और ये सामने तालाब है। गांव में जैसे ही एंटर करते हैं, सबसे पहले तालाब, उसके बाद शिव मंदिर, फिर ये पंचायत घर टेढ़ा का, और बराबर में हॉस्पिटल। अब हम चलते हैं आगे मंदिर की ओर, गांव टेढ़ा का शिव मंदिर। मैं शिव मंदिर से अरुण पवार। आइए शिव मंदिर के दर्शन करते हैं, बहुत पुराना मंदिर है। आइए। जय शिव शंकर। जय शंकर भगवान की जय। जय पार्वती माता की जय। श्री गणेश की। अब हम यहाँ से शिव मंदिर से आगे की ओर प्रस्थान करते हैं गांव टेढ़ा में। आपका शुभ नाम जी? मेरा विजयपाल सिंह। विजयपाल सिंह, और आप के कौन थे? ये हमारे पिताजी थे, आत्मा राम जी। ठीक है जी, तो आज क्या है आपका यहाँ पे? पिछले साल की कोरोना टाइम में एक्सपायर हुए थे, और अब हम उनकी पुण्यतिथि पहली बरसी वो मना। जैसा कि टेढ़ा गांव में आज डेट 26 मार्च 2022 को आत्मा राम जी की पुण्यतिथि में यहाँ पर पूरे गांव के लोग एकत्र हुए हैं, यहाँ पे आत्मा राम जी की पुण्यतिथि है। टेढ़ा में आज बंसी के आत्मा राम जी जो एक साल पहले गुजरे थे, उनकी आज बरसी है। उस पर टेढ़ा में भंडारा होते हुए वो
तो उसकी आज वो फसल भी है। श्री आत्माराम जी की बरसी के बाद उन्हीं के पास में बाबा भूमिया जी का स्थान है, पवित्र स्थान। अब यहाँ पर हम आ गए हैं। जय हो बाबा भूमिया की। बाबा भूमिया का पवित्र स्थान गांव टेढ़ा में। बाबा भूमिया वाले की जय। अब मैं आ गया हूँ बाबा प्रेमदास जी के आश्रम में। गांव टेढ़ा में बाबा प्रेमदास जी का आश्रम। अब महाराज जी, महात्मा जी, देवी के माँ के दर्शन में कर रहा हूँ बाबा प्रेमदास जी के आश्रम में। जय देवी माँ की जय। जय वीर हनुमान की जय। बाबा प्रेमदास जी के आश्रम में। अब मैं गांव टेढ़ा में आ गया हूँ। ये अल्लामेर की दुकान कौन सी है? अच्छा, ये अल्लामेर की दुकान। अच्छा, काफ़ी पुरानी। मैंने 30 राम राम जी, राम राम। 30 साल पहले मैंने अल्लामेर की ये दुकान पे आया करते थे, हम छोटे छोटे थे, और अल्लामेर की दुकान है। आप कौन है? आप उनके पोते हैं अल्लामेर जी के? अच्छा अच्छा। और आप? अच्छा, गाँव में से आए सामान लेने? अच्छा अच्छा। अरे बड़ी पुरानी दुकान। तो अल्लामेर जी कहाँ है अभी? अच्छा, अंदर सो रहे हैं क्या? अच्छा, सो रहे हैं। अच्छा ठीक है, चलो। बस नहीं नहीं कोई नहीं, ठीक है, मिलते हैं। बस आज ये याद आ रही थी, हम आए थे ना इधर के यहाँ पे, इनके यहाँ पे जो बरसी थे ना, हाँ, धर्मपाल, क्या नाम है, आत्माराम जी के यहाँ पे। हाँ, तो चलो आपकी दुकान भी देखते चले, ठीक है, थैंक यू। अच्छा, मामचंद लोहार जी का घर किधर है, आप दिखाएंगे? और जी नमस्कार जी। हाँ, ये यहाँ था ना मामचंद लोहार, 30-35 साल पहले ना यहाँ पर, कहाँ पर उनकी भट्टी हुआ करती थी, शायद यहाँ पर उनकी, यहाँ पे है ना, हाँ यहाँ पर उनकी भट्टी हुआ करती थी, हाँ, और यहाँ पे बैठ के वो काम करते थे। तो ये थी मामचंद लोहार जी की के मकान की हमारी पुरानी यादें। आपका नाम बेटा? आलम। आप यहीं टेढ़ा में रहते हैं? अच्छा, ये पीछे वाला आपका घर है, थैंक यू। एक यहाँ पर ज्ञाने नाई, ये ज्ञाने नाई यहाँ पर बैठते थे, बाल काटते थे, वो भी बड़े पुराने थे, पहले 40 साल पहले, करीब 30 साल पहले। हाँ, यहाँ पे कुर्सी थी ना, यहाँ पे जो है ना, हाँ, बरांडे में है ना, हाँ, बहुत अच्छे। ठीक है, आ जाओ, बाबा भाट की दुकान पे चलते हैं। अच्छा, ये वाला जो मकान बन गया, यहाँ पे बाबा भाट की साइकिल की दुकान हुआ करती थी ना, और उनका एक लड़का था, क्या नाम था, वो मोटरसाइकिल भी ठीक करते थे, है ना, आपको याद नहीं? हाँ ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अब यहाँ पर बाबा भाट की दुकान की जगह चक्की भी थी उनकी, अब मकान बन गया। अब बढ़ते हैं आगे की ओर कहीं। अब बाबू भाट के यहाँ से मैं चल रहा हूँ अपने घर की ओर। अब गांव टेढ़ा में काफ़ी तरक्की हो गई है, यहाँ पे अच्छी अच्छी दुकानें यहाँ पे खुलने लगी हैं। नमस्कार जी। सर, आपका नाम? विश्वबंधु शास्त्री। अच्छा, विश्वबंधु शास्त्री। अच्छा, आपके यहाँ तो हम चक्की पे आटा पिसवाते थे पहले। हाँ, अच्छा अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल, मेरे यहाँ, हाँ हाँ, मैं सोनलाल चक्की वालों का हूँ जी, वीरेंद्र नाम है मेरा। तो सर, आपने दुकान बड़ी अच्छी खोली हुई है, ये पे जूते चप्पल है? अच्छा, जूते चप्पल भी हैं, और क्या? अच्छा, कॉस्मेटिक का भी सामान आपने रखा हुआ है, बहुत अच्छे स्तर पर इन्होंने दुकान खोली हुई है, बहुत अच्छा लगा देखकर। और रास्ते भी लगभग सारे, मुझे लगता है बड़े बड़े अच्छे रास्ते बने हुए हैं गांव के हैं, और बिजली रात को रहती है अच्छी? बिजली अब तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बड़ा सुनकर देखिए, बड़ा कितनी खुशी होती है यहाँ पर सुनकर, और लोगों से बात करके भी कितना अच्छा लगता है यहाँ गाँव टेढ़ा में। गाँव में कोई अंतर नहीं, कोई अंतर नहीं रहा। थैंक यू सर, थैंक यू। कृषक बंधु विश्वबंधु के घर के पास में एक पुराना कुआं, अभी इसमें पानी आता है? अब नहीं आता, अब नहीं आता, ठीक है। चौधरी हरज्ञान सिंह का ये मकान। अब यहाँ पर धर्मवीर जी, राम राम, राम राम। क्या हाल है जी? अच्छा, अरे आपका वो मुझे याद आ गया, आप रामलीला में जो रोल किया करते थे, हरलाल जी, और जो करते थे हमारे ओम प्रकाश भाई साहब हैं, वो रोल आपका मुझे याद है। अच्छा, एक वो रोल याद है मुझे, आप कहते हैं ना, मैं तो तोड़ दूं बुग्गी की बम्बियर, हैं, वो कैसा था रोल, आप बताएंगे डायलॉग? कि
कि तोड़ तो दूं पर अरलाल जी ने मना कर दी। अच्छा, और तोड़ क्या दूं? तोड़ तो तोड़ तो धुआं धनुष को। ये डायलॉग मुझे याद है। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। अच्छा, अब मैं बैठ गया हूँ धर्मवीर जी के पास। ये है हास्य कलाकार टेढ़ा के। अच्छा धर्मवीर जी, कोई और हास्य बात सुनाइए आप। लंबी बातें हैं, बताओ। छोटी तो ऐसी, हाँ छोटी बताओ। वो जो है दो की लड़ाई हो रही, लड़ाई होतु होतु जो है आपस में एक दूसरे के उड़को आँख काटने लगे। अच्छा, तो वो छोमन को कह लगा तेरी आँख काट दूंगा। अच्छा, एक कह लगा। हाँ, एक तीसरा आवाज का कह लगा क्यों तू चील है। ये बात, अच्छा बहुत अच्छा। तो ठीक है धर्मवीर जी, फिर मिलेंगे आपसे। अभी विदा जाता हूँ, आगे भी बढ़ना है कहीं। ठीक है, थैंक यू जी। अब यहाँ पर हुआ करता था दाव टेढ़ा का पोस्ट ऑफिस, और जिनके यहाँ पोस्ट ऑफिस था वो थे प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर। तो यहाँ पर जो पोस्ट ऑफिस हुआ करता था वो ये घर था। अच्छा सतेंद्र कौशिक, और क्या हाल है? ठीक है, बहुत बढ़िया। और बैठो बैठो, कोई नहीं बैठो। अच्छा, यहाँ पर जो पोस्ट ऑफिस हुआ करता था वो जो हेडमास्टर जी, उनका नाम क्या था? मास्टर ओम प्रकाश शर्मा जी। अच्छा, उनके बेटे तो विनोद है ना, उनको मैं जानता हूँ। चलिए कोई नहीं, ठीक है। चलिए, ये था हमारा बहुत पुराना पोस्ट ऑफिस, यहाँ पर हम अक्सर आया करते थे। नमस्कार जी। नमस्ते। अच्छा, प्रेम मास्टर जी से मिलना था, उनकी तबीयत बता रहे ख़राब है। हाँ, थोड़ा मिल लेता हूँ एक बार। हाँ, मास्टर जी लेटे हुए, थोड़ा चोट लग गई थी, गिर गए थे तो। कहाँ चोट लग गई थी इनको? अच्छा, हाँ कुल्ले में चोट लग गई थी, तो तब से थोड़ा फ्रैक्चर आ गया था। तो फिर कुछ डाला गया कुछ? बॉल बढ़िया। अच्छा, बॉल डाली गई है। तो प्रेम मास्टर जी बड़े मंदिर की समाज सेवा में बड़े एक्टिव रहते थे। चलिए अभी ठीक हो जाएंगे। हाँ, गाँव टेढ़ा की मैंने कोशिश करी है कि पूरे गांव की ऐतिहासिक, सामाजिक, भौगोलिक जो भी मुझे नज़र आया, मैंने उसकी वीडियो को कवर किया है। और मुझसे कोई भी गलती हो गई हो, मेरे शब्दों में आपको कोई गलती लगे तो कृपया मुझे माफ़ करना। बस थोड़ी एक कमी रह गई है, विजेंद्र पंडित की मिसिज गांव टेढ़ा की प्रधान है, और मैं उनसे मिल नहीं पाया हूँ, ताकि गांव के विकास की थोड़ी मैं बात करना चाहता था। चलिए कोई बात नहीं, अगली बार मिलेंगे। मुझे पता चला कि वो विजेंद्र जी मेरठ गए हुए हैं, तो मुझसे कोई गलती हो गई हो प्लीज़ मुझे माफ़ करना, अनजाने में कोई गलती हो जाती है। वीडियो आप लोगों ने देखी, तहे दिल से धन्यवाद। किसी का कोई कमेंट हो तो आप मुझे ज़रूर बताएं। धन्यवाद। राम राम।